दोस्तों नमस्कार। आज थर्ड पारी सेकंड पारी के अंदर जो 10 मार्च का एग्जाम हुआ सेकंड पारी का, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों, मेरे दोस्त ने बताया ब भाग हार्ड पूछा जा रहा है। ब भाग भी हार्ड है, ब भाग के अंदर जो पूछा जा रहा है वो हार्ड पूछा जा रहा है। इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे गए हैं। अभी तक जो 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को जो क्वेश्चन है उसी में यही लेवल चल रहा है। रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन केवल 1-2 था, संख्या पद्धति का था, बिल्कुल आसान था, यानी लगभग रीजनिंग के आसपास था। रीजनिंग बिल्कुल सरल थी। रीजनिंग के उन्होंने क्वेश्चन बताए हैं वो हम फर्स्ट पारी और सेकेंड पारी का दोनों वीडियो कमेंट करके आज शाम तक अपडेट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों 10 मार्च की अगर किसी के थर्ड पारी के अंदर एग्जाम है तो आप हमें कमेंट के जरिए अपने व्हाट्सएप नंबर और जरूर दें। और दोस्तों कल 11 मार्च को जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर और जो पारी है शिफ्ट वो जरूर दें अपने दोस्त या भाई या बहन, किसी का भी एग्जाम है तो कल 11 तारीख हमें मोबाइल व्हाट्सएप नंबर और अपने पारी कौन सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो कमेंट में करके जरूर दें। और थर्ड पारी का जरूर याद रखें दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं जो पूछे गए क्वेश्चन से, आइए देखते हैं। कंप्यूटर के पूछे गए हैं 8 से 10 क्वेश्चन और उसके बाद में सब पूछा गया था छत्तर प्लेस कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। छत्तर प्लेस कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर छत्तर प्लेस स्थित है। अगला देखते हैं, ये सबसे छोटी रूट संख्या पूछी है। रूट संख्या कहे या अभाज्य संख्या कहे एक ही बात है, यानी वो संख्या जिसके स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। और ऑप्शन के अंदर सबसे छोटा कौन सा था, 4 ही था उन्होंने बताया, तो ये इसका आंसर सही है। संख्या पद्धति ये क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा गया चाय का वैज्ञानिक नाम कोमेलिया सोनेसिक्स, ये चाय का वैज्ञानिक नाम पूछा गया। पहली बार वैज्ञानिक नाम पूछे गए, आज चाय का वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया। उसके बाद में पूछा गया रतौंधी किसकी विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ये ध्यान रखना। विटामिन ए का कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन सी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें विटामिन के बारे में। उसके बाद में पूछा गया है पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर। और कल पूछी गई थी पाकिस्तान की क्रेडिट क्लिप रेखा पर कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और गंगानगर है, तो इस प्रकार से हैं क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रेड क्लिप रेखा। उसके बाद में सोन चिड़िया किसका नाम है, तो गोडावन का नाम है। और कल क्वेश्चंस पूछा था गोडावन का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो गोडावन जो का इसका प्रजनन केंद्र है वो जोधपुर के अंदर, जोधपुर झंतवाले के अंदर। ये सर्वाधिक जैसलमेर राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर पाए जाते हैं और सौरसेन बारा और सोकले अजमेर में भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु सीकर है। और ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन से पूछी गए तो, और 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ कहाँ है, अउवा कहाँ है, पाली के अंदर है। 1857 की क्रांति किसके काल में होती, इस समय वैसराय कौन था, आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे, हमें बहुत खुशी होगी दोस्तों। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता, 15 मार्च को मनाया जाता। और कल पूछा था सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि कल के पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, वीडियो हमने अपडेट किए थे। उसके बाद में पूछा गया सामोद मेल कहाँ है, सामोद मेल एक कोटा के अंदर है और एक जयपुर के अंदर, तो जयपुर का उसमें ऑप्शन था कोटा नहीं, सामोद मेल कोटा और जयपुर दोनों के अंदर है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। मैं आपसे फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके 10 तारीख के थर्ड पारी के अंदर पेपर हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर कमेंट में करें। और दोस्तों 11 मार्च के किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पारी के किसी दोस्त भाई बहन का एग्जाम है तो अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट लिखें और अपने मोबाइल नंबर और पारी जरूर लिख के हमें सेंड करें, जिससे कि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। एक ऐसा ही वीडियो के साथ में फिर से और रीजनिंग और मैथ्स का जल्द से जल्द अपडेट करेंगे, क्योंकि हमने जो मॉर्निंग का पेपर है उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन एक आदि था और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हम जल्द से जल्द अपडेट करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।